टीका लगा भैया, दादी जी को कागज पे टीका लगा रहा हूँ आप गीले हो गए, हमने ये रहे ले पानी गिला मनीष की चल रही है साजिश मार भूत ये वादी में डूबा ले लेके आ रहे हैं ये देखो सारे लोग भूत बन चुके हैं अच्छा हो गया अच्छा हो गया अच्छा ये देखो हमें दोनों भो जाएंगे राख से काल भिड़ा हुई है देखो जरा लगा पा रही है कि मनीष के ऊपर तो पूरा मिट्टी डाल दिया है भाभी फुल फुल तैयारी में है देखो भाभी लाल माटी गोल कर रखे हैं बोने खा लगाई पंखड़ी जरा आज बचने हैं कि नहीं खेल पंडा खेल पंडा मोए आ गई भवानी
हमन ते भड़ाई हमन के मारी ए लग जाएगी लग ना जाए मैं ऊपर डालना डाल लो लियो तुम तो अच्छे ज्यादा मूड खराब कर रहा है कि रिया को देखो रिया की साजिश चले किसके ऊपर डाल रही हाँ कार्तिक ये देख लो सबने कलर डाल डाल के कीचड़ डाल डाल के कर लिया अब नहा रहे हैं ऊपर खुद ही पानी डाल के हमारे घर की हालत देखो क्या हो गई है पूरे में जितनी होली के लिए आग जलाई थी सारी होली की राख ठिकाने आ गई है देखो हमें बजाएंगे हेलो एवरीवन गुड इवनिंग शाम का टाइम हो रहा है होली खेल खा के मस्त लोग ना सो गए थे सो के तो खा के अभी लग गए काम पे शाम का टाइम हो रहा है मम्मी का काम स्टार्ट हो गया मम्मी कर रही है राई की कुटाई ये है राई झरू बोलते हैं मम्मी झरू बोल रही हैं एंड ये देखिए ये है सरसों है ये मम्मी इसको कूट रही हैं एंड जो भी दाना निकलेगा तो ये निकलेगा उसका कूटने के बाद मम्मी बोल रही हैं मम्मी की लैंग्वेज में ये पता नहीं क्या है झरू बोलते हैं इसको मम्मी इसको कूट रही हैं एंड अभी और निकलेगी खेत में तो उसकी होगी दाएँ एंड जो भी थोड़ी बहुत थी तो मम्मी उसका काम कर रही हैं एंड जब वो ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगी अभी खेत में कटी नहीं है तो उसकी होगी दाएँ एंड अभी गेहूं वगैरह तो लगी हुई है इतने ज़्यादा मज़े की एंड होली खेली सब ने मिल के तो वही है ना एक फेस्टिवल ही एक ऐसी चीज़ होती है ना जो सबके साथ अगर सेलिब्रेट करेंगे तभी उस चीज़ में मज़ा आता है जब सब लोग साथ में होते हैं तो सब लोगों ने मिल के ढेर सारे मज़े किए तो चलिए अभी हो रहा है शाम का टाइम सब लोग अपने अपने कामों में लग गए हैं एंड मुझे देखो क्या मिला है ये बेर मिला है बेर यहाँ थोड़े से भी ना गेट के बाहर जाओ तो बेर के पेड़ मिलेंगे एंड मस्त बेर मिलेंगे खाने के लिए ये देखिए एंड मैं देखो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे ये जो पीछे साइड का है ना ये है हमारा अमरूद का बगीचा यानी कि यहाँ पे बहुत सारे अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं एंड ये वाला जो बगीचा है ना ये नींबू का बगीचा है तो वहाँ से लेके उधर से लेके यहाँ इस तरफ तक ना अमरूद के पेड़ लगे सॉरी नींबू के पेड़ लगे हुए हैं और इधर ये जो बगीचा है ना इधर अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं देखो हमारी सोनम क्या कर रही है राई के पूरा को पलट रही है जिससे कि वो दोनों तरफ सूख जाए नहीं ये देखो मम्मी यहाँ पे कूट रही है इसको नमन गिरा रहा है पत्ते चढ़ के हमारे घर में रोज झाड़ू ऐसे लगती है पहले पेड़ों को हिलाया जाता है उसके बाद पत्ते झाड़े जाते हैं देखो इतने सारे पत्ते निकलते हैं रोज ये देखो अंकित की लग रही है झाड़ू देखो पापा ऐसे हिला रहे हैं डंडे से एंड उसके बाद झाड़ू लगाएंगे पूरे घर में ऐसे ही पत्ते पड़े हुए हैं दोनों टाइम में थाई कचरा इकट्ठा हो जाता है पत्तों का एंड ये वाले पेड़ के देखो इधर से ना फूल झड़ते हैं इधर देखो पूरा पीला पीला गिर चुका है इन फूलों का बड़ी मम्मी क्या कर रही हैं बता दो तो लहसुन छील बड़ी मम्मी छील रही हैं लहसुन छील रही हैं खाने के लिए एंड भाभी देखो क्या कर रही हैं हमारा और भैया के लिए स्पेशल खाना बनता है बड़े भैया को और मुझे ये देखो भाभी ने बनाया हुआ है सेब की सब्जी बनाई हुई है सेब टमाटर की सब्जी जो बड़े वाले सेब आते हैं ना उसकी सब्जी बनाई हुई है एंड मनीष की चल रही है पीछे पढ़ाई भाई ढूंढ रही है बच्चों को ढूंढ रही है रुद्रांश को ढूंढ रही है भाई रुद्रांश गायब हो जाता है वो यहाँ तो टिकता ही नहीं है वो जाता है वहाँ पे जहाँ भैंसा बनती ना हमारी वहाँ जाता है तो वो गया है ताऊ जी के साथ
उधर मम्मी अभी भी काम पे लगी हुई है देखो वहाँ पे। एंड आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा वो भी हमें जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। क्यों होली वाला ब्लॉग कैसा लगा? भाभी का तो कलर अभी गया भी नहीं है। आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल पे नहीं है ना मम्मी चैनल को सब्सक्राइब करना। मम्मी के साथ हम आज रील्स बना के आए तो रील्स को जरूर देखना। तो वंस अगेन आप सभी को एक बार और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड इसी के साथ हम आज के इस वीडियो का एंड करते हैं झूले पे। ये देखो झूला झूल रहे हैं। इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, ख्याल रखिए एंड खूब सारे मजे कीजिए।